ग्वालियर में एक होटल में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक किराना दलाल है और अपने घर से गुरुवार से गायब था। मौके से पुलिस को एक विषाक्त पदार्थ का पैकेट मिला है। ऐसे में पुलिस का ये मानना है कि युवक ने जहरीला पदार्थ खाकर खुदकुशी की है। यूनिवर्सिटी थाना अंतर्गत सिटी सेंटर स्थित रेजिडेंसी होटल की एक कमरे में एक युवक की अज्ञात परिस्थितियों में होने की सूचना पुलिस को होटल प्रबंधन और परिजन ने दी थी। इसी सूचना पर होटल पहुंची पुलिस ने देखा तो कमरा अंदर से बंद था। इसके बाद कमरे का दरवाजा तोड़ा तो युवक बेसुध हालत में बिस्तर पर मिला। परिजन ने युवक की शिनाख्त सागर गुप्ता निवासी जनकगंज के रूप में की है। युवक को तत्काल निजी अस्पताल ले जाया गया जहाँ डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। होटल के कमरे में युवक का शव मिलने की सूचना पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सियाज के एम सीएसपी हीना खान और फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंच गई है। प्रारंभिक पड़ताल में पुलिस को मौके से विषाक्त पदार्थ का एक पैकेट मिला है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया है। मृतक के चाचा संजीव गुप्ता ने कहा कि युवक गुरुवार से लापता था। ये 9:30-10 बजे का टाइम था और ये घर से कहके निकले कि अभी हम आ रहे हैं मौसी। मौसी ने पूछा क्या खाओगे, तो नहीं आलू के पराठे बना लेना, हम आके खाते हैं। उसके बाद 11-12 बजे के करीब पोरसा से फ़ोन किया, बहू ने फ़ोन किया तो उनने उठाया नहीं तो उनने मौसी को फ़ोन किया। मौसी को फ़ोन किया तो मौसी ने फिर उसे फ़ोन किया सागर को, फिर भी नहीं उठाया। फिर हम लोग यहाँ आए 2 बजे के करीब, 2-3 बजे के, फिर ढूंढते रहे। 8 बजे हमने थाने में इत्तला दी। ये कहानी है, अब आगे क्या। आज कब का निकला ये? कल का। अच्छा, तो आज तो हम चिरायू हॉस्पिटल जा रहे थे। हाँ। तो वो क्या है, वहाँ भी उसका एक दोस्त रहता है, तो हमने चलो वहाँ पता करते हैं। तो उसके बाद गाड़ी नज़र आई, फिर होटल वालों से संपर्क किया। होटल पर बताया यहाँ ठहरा हुआ है सागर के नाम से। और उसके बाद गेट देखा तो गेट खुला नहीं, तो फिर होटल वालों ने क्या करता था ये किराने की दलाली करते थे दाल बाज़ार में। हाँ। व्यापार करते थे। अच्छा। हाँ, क्या लगता है कोई पैसे का लेन देन था, किसी से कोई बात हुई? अब ऐसी कोई दिमाग में कोई ऐसा कभी उनने कहा ही नहीं। हाँ। घर पे बताते तो हम सॉल्व भी करते। किसी का फोन आया था क्या, क्या हुआ? हाँ, ये 9:30 बजे पे फोन आया उसी। हाँ। और कभी भी निकलता 10-11 बजे से पहले निकलता ही नहीं है। हाँ। उस दिन 9:30 बजे निकल गया किसी का बात करते हुए। हाँ। बस ये क्या लग रहा है आपको, क्या मानते हो आप? अब हो सकता है किसी का पैसा वैसा हो। हाँ। तो उस वजह से या तो आके छुपे हैं या कुछ कारण तो रहा होगा। ठीक है, क्या नाम है आपका? हमारा संजीव गुप्ता। आप कौन हैं? हम उसके चाचा हैं। चाचा।